नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऋषि पूछता हुआ नजर आएगा लक्ष्मी से कि तुमसे मुझे प्रॉब्लम क्या है, और मुझे तुमसे भी नहीं प्रॉब्लम, तुम्हें मुझसे भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहानी एक नया रूप ले चुकी है, क्योंकि यहाँ पर मलिष्का ने साफ साफ बोल दिया है लक्ष्मी से कि लक्ष्मी अब मेरे और ऋषि के बीच में कोई नहीं आएगा, बल्कि मैं एकदम इस समय परफेक्ट हूँ, और मुझे लगता है कि जो हमारे बीच में हो रहा है वो वास्तविक बेहद ज़्यादा ठीक है और सही भी है। आप लोग जानते हैं कि कहानी एक नहीं बल्कि समय कई मोड़ों पर बेहद ज़्यादा अलग और बेहद ज़्यादा खास देखने को मिलती हुई नज़र आ रही है। सभी लोगों को जल्द ही पता लगने जा रहा है कि ऋषि और मलिष्का की किसी भी तरीक़े से शादी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ऋषि खुद इस शादी को कैंसिल करता हुआ नज़र आने वाला है, क्योंकि ऋषि का मानना यह है कि लक्ष्मी से ज़्यादा परफेक्ट इस घर के लिए बहू कोई हो ही नहीं सकती। आप लोग जानते ही हैं कि आने वाली कहानी आप लोगों को एक नहीं बल्कि समय कई और भी ट्विस्ट लाती हुई नज़र आने वाली है। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि जल्दी ही आप लोगों को पता चलेगा कि आखिरकार लक्ष्मी के दिल में अच्छी चीज़ क्या है, क्योंकि दोस्तों लक्ष्मी के दिल में जो इस समय देखने को मिल रहा है वाकई में दोस्तों वो बिल्कुल परफेक्ट तरीक़ा से देखने को मिल रहा है, क्योंकि लक्ष्मी का मानना ये है कि जो होगा वो वाकई में सही होगा, विशाल होगा, ठीक होगा, अलग से ही ठीक होगा। जी हाँ, क्योंकि ऋषि की सपोर्ट ना कि मलिष्का को बल्कि वो लक्ष्मी को है, और लक्ष्मी को भी इस तरीका से सपोर्ट है, कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता ऋषि और लक्ष्मी को एक होने से। जी हाँ दोस्तों, हालांकि मलिष्का का जो पूरी तरीका से प्लान है वो पूरी तरीका से फेल होता हुआ ही नज़र आने वाला है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाले एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से कहानी बदलेगी। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच कि आपने सपोर्ट किया है मेरे।